हेलो दोस्तों, डायमंड ज्वेलर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ये एंगेजमेंट रिंग बनाने जा रहे हैं, तो हम पहले इसका रिंग साइज ले लेते हैं। ये आपका US 7 के हिसाब से बनाएंगे, तो US 7 का रिंग साइज 17.35 mm। ठीक है, फ्रंट व्यू से मैं मेजरमेंट दे देता हूँ। नीचे से का मेजरमेंट दे रहा हूँ 1.5, साइड में 1.8 एंड ऊपर में दे रहा हूँ 2.1 mm। ठीक है, अभी एक इलिप्स लेना है। इलिप्स लेके इसका आउटर सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, अभी इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ दोनों सर्कल को। अभी मैं टॉप व्यू में आ जाता हूँ, तो इमेज को सेंटर में मैं ले लेता हूँ। मूव करके इसको रोटेट कर देते हैं, रोटेट करके स्ट्रेट कर लेते हैं। फिर इसको 20 mm के हिसाब से, जो मेरा रेड लाइन दिख रहा है सर्किल वाला बाहर, उतने के हिसाब से मैं स्केल कर लेता हूँ इमेज को। मैं देख लेता हूँ सेंटर डायमंड क्या साइज आ रहा है, तो 6.5 के हिसाब से आ रहा है, तो मैं 6.5 mm का एक सर्किल ले लेता हूँ। ठीक है, इसको बाहर 0.1 ऑफसेट एक क्वालिटी के लिए, फिर 0.2 का गैप, उसके बाद मैं 1.6 का एक ऑफसेट देता हूँ, यानी मैं 1 सेंट का डायमंड बिठाऊंगा। 1 सेंट यानी आपका 1.3 mm होता है। ठीक है, अब एक 1.3 mm का एक डायमंड का 2D बना लेते हैं। इसको ग्रुप करके फिर एरे पोलर करके देखते हैं कितना रोटेशन आ रहा है। 16 देके देखते हैं, 16 भी नहीं होगा तो 18 देके देखता हूँ। 18 का रोटेशन बराबर आ रहा है, तो मेरा हेलो में 1.3 का 18 डायमंड बैठेगा। अभी मैं सेंटर का सिर्फ लाइन लेता हूँ, कॉलेट बनाएंगे। इसको मैं ऑन टॉप से 1.2 mm का थिकनेस देता हूँ, और इसका हाइट भी देते हैं 1.2, तो 1.2 mm एक्सट्रूड कर देते हैं। ऊपर चैम्पर करते हैं, 0.8 का चैम्पर। ठीक है, अभी जेम लोडर से मैं 6.5 mm का एक डायमंड ले लेता हूँ। इसको 0.3 ऊपर मूव करते हैं। अब इसका प्रॉन्ग बनाना है, तो इसमें आपको 6.5 mm 1 कैरेट का डायमंड है, तो आपको 1.1 1.2 का प्रॉन्ग देना है, तो मैं 1.1 का प्रॉन्ग डाल रहा हूँ। ठीक है, कट प्लेन से एक्स्ट्रा जो नीचे का पार्ट है वो मैं बुलियन डिफरेंस कर देता हूँ। आई मैं ऊपर का पार्ट फिलेट कर देता हूँ। ठीक है, अभी टॉप व्यू में चले जाते हैं। फ्रॉन्क को मैं 45 डिग्री रोटेट कर देता हूँ, 45 रोटेट करके इसको एरे पोलर कर देते हैं 4 का। अभी इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं हेलो पार्ट लेके आता हूँ। इस पर हमें माइक्रो सेटिंग करना है, तो मैं इसका हाइट दे देता हूँ 1.5 mm या 1.6 mm दे देते हैं, 1.5 1.6 mm। और इसके ऊपर जेम ऑन सरफेस करके आपको डायमंड पेस्टिंग करना है। ठीक है, 1.3 mm के हिसाब से दिया था, तो इसको मूव करते हैं 0.25 नीचे मूव करते हैं डायमंड को। फिर इसको एरे पोलर कर देते हैं, 18 का रोटेशन था। ठीक है, अभी हमें इसमें कटर लेना है, F6 क्लिक करके जिम कटर ले लेते हैं। अभी इसमें माइक्रो सेटिंग जो है ना, इसमें प्रॉन्ग का बीच का स्प्लिट नहीं है, आपको सिर्फ यू कट ही देना है। तो यू कटर को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक कटर रखते हैं, बाकी का मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑन करता हूँ। रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑन करके इसको एरे पुलर कर देते हैं। ठीक है, अभी मैं KZD लेता हूँ, स्केल करके थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इसका हाइट भी थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ।
मैं क्या करता हूँ, केजेडिट लेके, केजेडिट में 2 पॉइंट्स लेना है, थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ, बाहर वाला थोड़ा अंदर ले लेता हूँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है, अंदर और बाहर प्रॉन्ग का साइज सेम है, तो अभी ऊपर का एज में फिलेट कर देता हूँ, मेटल का फिलेट करके बुलियन डिफरेंस कर देते हैं। और एक मेरा कटर बनाना रह गया, जो बीच का जो कटर है वो बनाना पड़ेगा, तो मैं मिड का जो लाइन है उसको ले लेता हूँ, बोथ साइड 0.3 ऑफसेट यानी 0.6 का। ठीक है, अभी दोनों कर्व सिलेक्ट करके मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ 0.35 बोथ साइड। ठीक है, अभी इससे मैं बूलियन डिफरेंस कर देता हूँ। ये भी माइक्रो सेटिंग ही है, इसमें क्या सिर्फ प्रॉन्ग का स्प्लिट नहीं है, सेटिंग सेम ही है। ठीक है, ये मेरा हेलो का बन गया, अभी सेंटर पार्ट में लेके आता हूँ, इसको ग्रुप करते हैं, इसको 0.2 0.3 ऊपर मूव कर देता हूँ। ठीक है, अभी हम रिंग आईडी और आउटर सर्किल लेके आते हैं, अभी हमें इसका सैंग बनाना है, तो एक बार हम इमेज देख लेते हैं इसका सैंग कैसा है। ठीक है, तो अभी फ्रंट व्यू से हम इसका सैंग ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे सेव थोड़ा ठीक कर लेते हैं इसका। कार को रिबिल्ड कर लेते हैं, ये पर थोड़ा सा मेरा बाहर जाएगा, मिरर करके वह देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं एक 1.2 mm या तो 1 mm का एक ऑफसेट देता हूँ, उसके ऊपर मेरा यहाँ पे जो हाफ सर्कल टाइप जो कट है वो रहेगा, 4 पॉइंट्स देते हैं, देखिए इसको कर्वेचर टाइप कर देते हैं। एक बार मैं इमेज को देख लेता हूँ कैसा है, ये मैं 1 mm से 1.2 mm तक आप यहाँ पे मेटल रख सकते हो, या 0.16 और ऊपर लेना है, ये मैंने 1 mm का सर्किल लिखा था। ठीक है, ये मेरा फ्रंट व्यू हो गया। ठीक है, अब मैं बाकी पार्ट ऐड करता हूँ, यहाँ पे मुझे जो एक्स्ट्रा कर्व है वहाँ पे मुझे ट्रिम करना है, तो और थोड़ा ऊपर मूव कर लेते, तो ये मेरा फ्रंट व्यू बन गया। अभी मुझे इसका सैंग बनाना है, तो आप पैच करके भी कर सकते हो सरफेस कट के, या तो आप एक्सट्रूड भी एक्सट्रूड करके भी कर सकते हो। तो मैं 1.5 का थिकनेस दे रहा हूँ ये। ठीक है, अब एक बार इमेज बाकी पार्ट लेके आके देखता हूँ, टॉप पार्ट। ठीक है, अभी दो पार्ट है सैंक का, तो मुझे मैं काम करता हूँ, ये पार्ट थोड़ा बाहर आएगा जब भी मूव करूँगा, तो इसको थोड़ा सा मैं अंदर ले लेता हूँ। ये पार्ट को भी थोड़ा अंदर लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ 1.5 mm, डायरेक्शन देना है डी स्पेस से, अगर आप कीबोर्ड से कर रहे हो तो डी स्पेस क्लिक करोगे तो डायरेक्शन आ जाएगा। ये एक्सट्रूड हो गया, इसका मैं मूव करना है, अभी 0.5 का बीच में गैप रखेंगे, तो मैंने बोथ साइड लिया 1.5 यानी 0.75 मूव करना है, फिर 0.25 मूव करना है।
तो आपका बीच में 0.2 0.5 का गैप आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं 1.5 रखें, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 1.6 कर देता हूँ, तो 1.3 पूरा ओवरऑल डायमंड 1.3 का ही बैठ जाएगा। मैंने हेलो में भी 1.3 रखा था, तो मैं इसको मैं 1.3 कर दे 1.6 ही कर देता हूँ। ठीक है, अभी इसके ऊपर डायमंड सेटिंग करना है, तो जेमन कर्व करके 1.3 mm का डायमंड बिठा देते हैं, हाफ तक के डायमंड बिठाना है। ठीक है, इसको जेड ऑफसेट -0.25 देना है। डायमंड टू डायमंड गैप मैं 0.18 रख रहा हूँ। ठीक है, अब F6 क्लिक करके जिम कटर लेना है, कटर आ गया, अभी माइक्रो कटर लेना है। तो कटर को थोड़ा चौड़ा करना है, मैं ऐसे विड्थ को बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये ठीक रहेगा। अभी मुझे एक बीच का कटर लेना है, तो मैं सरफेस को एक्सट्रूड करता हूँ बोथ साइड 0.3 यानी 0.6 का सरफेस हो गया। इसको मैं यहाँ से स्प्लिट कर देता हूँ थोड़ा नीचे कटर के, यहाँ पे और ऊपर के साइड भी। ठीक है, स्प्लिट हो गया, इसको मैं 0.35 का ऑफसेट दे देता हूँ बोथ साइड में। अभी हम कटर से बुलियन स्प्लिट कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया, मैं को बैक कर लेता हूँ। पहले मैं सैंक को हाफ पार्ट में काट लेता हूँ, फिर फिलेट कर देते हैं, कट प्लेन से हाफ पार्ट में काट देते हैं। काट करके इसको एक कॉपी कर देते हैं, दो पार्ट है, तो इसको मैं मिरर कर देता हूँ। अभी मैं नीचे का सैंक को फ्रंट व्यू से इसको हाफ पार्ट में काट देता हूँ। फिर नीचे का सैंग हम टेपर करेंगे, सीधा स्ट्रेट नहीं रखेंगे। ठीक है, बाकी पार्ट लॉक करते हैं। ये सरफेस को मैंने एक्सट्रैक्ट किया, अब स्ट्रेट है तो एक्सट्रूड हो जाएगा। ठीक है, एक्सट्रूड हो गया, दोनों पार्ट को मैं ब्लेड कर देता हूँ। अभी मैं एज को फिलेट कर देता हूँ, पहले फिलेट करके फिर बुलियन डिफरेंस करेंगे। ये मेरा फिलेट हो गया, अब ये पार्ट का जरूरत नहीं है, पार्ट को मैं कटर से बुलियन डिफरेंस कर देता हूँ। बुलियन डिफरेंस करके इसको मैं मिरर कर देता हूँ, तो मेरा एक साइड का सैंग रेडी हो गया। ठीक है, अभी इसको मैं मिरर कर देता हूँ, मिरर करके जो मेरा टॉप पार्ट है वो मैं कॉपी करके लेके आता हूँ, उसका भी नीचे का एज को मैं फिलेट कर देता हूँ। अभी मैं सेंटर पर थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ 0.2। अभी मैं बॉटम सैंक को मैं टेपर करूँगा, तो मैं साइड व्यू में चले जाता हूँ। केजी रेट का 4 पॉइंट्स लेते हैं, नीचे के साइड में थोड़ा सा टेपर कर देता हूँ। 1D स्केल करना है, मैं गम्बेल लेके कर रहा हूँ, अगर आप गम्बेल यूज नहीं कर रहे हो तो 1D स्केल कर देना। ठीक है, ये रिंग आपका रेडी हो गया। कर्व डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताना, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।